कुछ दिनों पहले की बात है, एक महिला अपने बच्चे को दुकान में छोड़ के चली गई और हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उस महिला का मोबाइल नंबर लिए बगैर ही हमने उस बच्चे को दुकान में रख लिया। आप लोग 2 मिनट के लिए मेरे बेटे को संभाल लेंगे प्लीज? मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ। ये पहन लीजिए और म्यूजिक ऑन कीजिए। सच कहूं ये चिंटू जितना शरारती बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। और मेरे टप्पू जितना। गम्मत नहीं, नहीं एक दिन भेजता हूँ चिंटू को तेरे पास। नहीं नहीं, नहीं। अरे तू पण लाओ ले, मजा आओ से जो तो करो। और फिर उस महिला का पता लगाने के चक्कर में हम पुलिस स्टेशन के चक्कर में पड़ गए। बच्चों को किडनैप करने वाला एक खतरनाक गैंग घूम रहा है। नशे की दवा मिलाई हुई कुल्फी खिलाकर बेहोश कर देते हैं और फिर उस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। ऐसे अनजान आदमी को दबोच कर हमारे सामने लाओ। इंस्पेक्टर अंकल, इंस्पेक्टर अंकल, ये तीनों अंकल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू अंकल। वी आर वेरी सॉरी फॉर इट सेठ जी, लेकिन सच कहूं ये सब टेंशन में चिंटू के साथ खेलने का बड़ा मजा आया। मुझे टप्पू का बचपन याद आ गया। अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। टप्पू भी कुछ कहना चाहता है। बोलो बोलो टप्पू। तो आज मैं अपना बर्थडे ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं राजू को अपने साथ सोसाइटी लेकर आया था, उसके मम्मी पापा भी नहीं थे और उसे तो पता भी नहीं था कि बर्थडे क्या होता है, बर्थडे पार्टी कैसे मनाते हैं। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये थी कि मैं राजू को शिशु विकास केंद्र ले जा सकी थी, सिर्फ टप्पू की वजह से। एक सड़क पर रहने वाले बच्चे को एक नई जिंदगी मिली। दोस्तों अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भाई मैं एक दुखद बात करना चाहता हूँ। 2017 में भी मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरा हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। मुझे पूरा यकीन है कि 2018 में मेरी शादी हो ही जाएगी। आशा अमर छे। कुछ महीनों पहले झिलमिल जी जब मुझे देखने आई थी, तो असल में तो उनको सलमान खान के साथ सेल्फी लेनी थी। जो लड़का सलमान खान के साथ झिलमिल की सेल्फी खिंचवाएगा, झिलमिल उसी के साथ शादी करेगी। झिलमिल की सलमान भाई के साथ सेल्फी हो जाएगी। झिलमिल जी ने तो मुझसे झूठ बोला, लेकिन आप सबने मेरी शादी को लेकर जो उत्साह दिखाया, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे सपोर्ट किया, उस लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। पोपट अंकल थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से हमारी सलमान सर के साथ सेल्फी हो गई। सही है। और 2017 में हमें हमारे चहेते सुपरस्टार से भी मिलने का मौका मिला। वास्तु ही कुछ ऐसा है ना, सब खींचे चले आते हैं। भाई मैं एक और बात कहना चाहता, जेठालाल मैं तुम्हारी माफी मांगना चाहता। मैंने वो आरजे वायु को बोला था तुम्हारा मजाक करने के लिए, तुम्हें बकरा बनाने के लिए, उसने तुम्हें फोन किया और उस वजह से आप सबको जुए के अड्डे तक जाना पड़ा। तेरा बेटा कहाँ है? क्या यही है? कौन है बाबू जी? उसको पूछ के वो हार गया है। हार गया? क्या हार गया? 3 पत्ती। तुम तीनों जुआरी बनकर उस अड्डे पर जाओगे। तुम में से किसी एक के मोबाइल फोन में हम GPS चिप लगा देंगे। हम अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे और घर तक पहुंचेंगे। अरे मुझे पता लग गया है, तुम पुलिस का आदमी है।
कौन है? किसने पकड़ा? रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोनी ने। बाबूजी, चोटी आ गया। आती पर? अरे नहीं नहीं पोपट बेटा, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। अरे वो तो गलत फहमी हो गई थी, वो भी मैंने फोन तोड़ दिया ना उसमें हो गई। लेकिन ये सब में अच्छी बात ये हुई कि वो जुए के अड्डे पे सोडी भिड़े और आती भाई, आप तीनों ने आके हम सबको बचा लिया। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो हम सबको बचाने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हाँ हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओ यारों के लिए तो हम कभी भी जान पे खेल जाएंगे, और जुए के अड्डे वालों के साथ क्या, और किसी से भी भिड़ जाएंगे। बोले सोनेहा।